चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है आपातकाल। इस विषय के अंतर्गत हम देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है, इससे संबंधित मामला क्या है। आपातकाल को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। इस याचिका में देरी के क्या कारण है, राष्ट्रीय आपातकाल कब और क्यों लगाया गया था और हमारे संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर क्या प्रावधान है। विषय प्रारंभ करने से पहले आइए देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। कथन दो, भारत में 1975 से 1977 तक 21 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। उपरोक्त में असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक सुनें। यह चर्चा में क्यों है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के आपातकाल को असंवैधानिक घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस पर भी विचार करेगी कि क्या 45 साल बाद इसकी वैधानिकता पर विचार किया जा सकता है या नहीं। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि यह पूरा मामला है क्या। 94 वर्षीय वीरा सनीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। वीरा चाहती है कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया उसे सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर दे। इसके साथ ही वो अपने और अपने पति के साथ आपातकाल के दौरान हुए अत्याचार के बदले 25 करोड़ का हर्जाना भी चाहती है। याचिका में कहा गया है कि वीरा सरीन और उनके पति को जेल में डाल दिए जाने के डर से देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि आपातकाल में उनके पति पर स्मगलिंग के झूठे आरोप लगाकर उनको हिरासत में लेने के गलत आदेश मनमाने तरीके से जारी किए गए थे। उनके पति का आपातकाल के पहले दिल्ली के करोल बाग और केजी मार्ग पर बहुमूल्य रत्नों का बिजनेस था। उनकी करोड़ों की अचल और चल संपत्ति जब्त कर ली गई। इसमें बहुमूल्य रत्न, कालीन, पेंटिंग, स्टैचू आदि शामिल हैं। यह मामला काफी वर्षों पुराना है। अब प्रश्न यह उठता है कि याचिका में देरी के कारण क्या थे। सन 2000 में सरीन के पति की इन मामलों के चलते ही मौत हो गई। उसके बाद महिला अकेले ही आपातकाल के दौरान पति पर दर्ज हुए मामलों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ती रही। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके पति पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। 2020 जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को सरीन की केजी मार्ग की संपत्ति पर 1999 के रेट पर किराए का एरियर देने का आदेश दिया था। इसके बाद अब महिला सुप्रीम कोर्ट में आपातकाल को असंवैधानिक करने की मांग लेकर पहुंची है। भारत में आपातकाल कब लगाया गया था और क्यों लगाया गया था? 25-26 जून 1975 की मध्य रात्रि से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने के लिए भारत में आपातकाल घोषित किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के कहने पर भारतीय संविधान की धारा 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद और अलोकतांत्रिक समय था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे और सभी नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। इस आपातकाल की जड़ में 1971 में हुए लोकसभा चुनाव थे, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राज नारायण को पराजित किया था। लेकिन चुनाव परिणाम के 4 साल बाद राज नारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी का चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया था। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर क्या उपबंध किए गए हैं? अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रपति युद्ध
बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर देश की सुरक्षा के लिए पैदा हुई स्थिति को गंभीर माने तो देश में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकाल पूरे भारत में या उसके किसी हिस्से में घोषित किया जा सकता है। सिर्फ कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। आपातकालीन प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक है। एक बार मंजूरी दे दिए जाने के बाद आपातकाल 6 महीने से अधिक के लिए नहीं लगाया जा सकता है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था उसका उत्तर है विकल्प ए। आज की वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया है उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।